yeah, there's more happening here. Please welcome co-founder, CEO, and the main. सिखा देते हैं सुरेश जी जैसे लोग हैं जो बहुत सारे सिंगर्स को इनके गुरु जी ने इनको तैयार किया, अब ये औरों को तैयार कर रहे हैं. सही रियाज करना ज़रूरी है. फिर मुझ जैसे आदमी को ठंडा सूट नहीं करता, तो मैं ठंडा अवॉइड करता हूँ. और जब कभी कॉन्सर्ट्स करते हैं जहाँ बहुत ठंड होती है, कान में अगर हवा जाती है तो फिर नेक्स्ट डे खांसी जुकाम हो जाता है. परसों मेरा कॉन्सर्ट था इसलिए मेरा गला थोड़ा ख़राब है, क्योंकि बहुत ठंड थी अहमदाबाद में, ओले पड़े थे और मैं वहाँ पर गा रहा था, तो वो चीज़ सूट नहीं करती. बट सबसे बड़ा जो मेरे ख्याल से चीज़ है वो है सबको सुनना, बहुत सारे लोगों को सुनना, एक को नहीं कि बस मेरे को तो आई जस्ट लाइक दिस पर्टिकुलर सिंगर सो मैं इनको सुनूंगा और किसी को नहीं सुनना. ऐसा करते करते लोग क्या करते हैं कि एक को अपना आइडल बना लेते हैं, बाकियों के विरुद्ध हो जाते हैं वो, कि मतलब आई डोंट लाइक एनीबडी एल्स एक्सेप्ट दिस गाय दिस गर्ल वट एवर. तो ये रॉन्ग एटीट्यूड है. सबको भगवान ने कुछ ना कुछ दिया होता है. जिसको भी भगवान ने कुछ किस्मत में कुछ रखा हुआ है, जो फेमस है, कुछ ना कुछ तो होगा उसमें. तो ये एटीट्यूड के साथ में म्यूजिक को देखना पड़ता है. यू कैन नॉट क्रिटिसाइज पीपल, यू कैन नॉट कंडेम पीपल, यू कांट कंपेयर पीपल. एंड सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है दिमाग और दिल साफ रखना. अब आपके म्यूजिक में आपका एटीट्यूड आता है. अगर आप बहुत नेगेटिव हैं तो आपके म्यूजिक में नेगेटिविटी आती है. ऐसे बहुत सारे सिंगर्स हैं, हम आपस में पर्सनली जब बैठते हैं तो हम बात करते हैं कि ऐसे सिंगर्स हैं जो बिल्कुल इतना अच्छा गाने के बावजूद भी आगे नहीं बढ़ पाए. क्यों? बिकॉज दे वेस्टेड अ लॉट ऑफ देयर टाइम इन नेगेटिविटी. सो दिमाग अगर ठीक रखेंगे तो म्यूजिक सुर भी सच्चे निकलते हैं. और यू मेक मोर फ्रेंड्स एंड डिस्पाइट अ स्टिफ कॉम्पिटिशन यू ऑलवेज रिटेन योर स्पॉट इन द लाइमलाइट. दिस इज व्हाट आई फील. One more question. Anyone else? Yeah. One more question. What about your revenue model? I mean, how do you make profits out of the whole business? Sanjay, you want to answer that? It's very simple. Just like you download songs from iTunes, you will download the karaoke tracks from iTunes and Apple, Google Play. And that is the revenue model. Simple. Thank you so much. Thank you so much for coming. Thank you, anybody Poonam. Else? Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Alok, koi question hai aapke paas? Yahan pe mic dena please. Sorry. Over here. Sir, mera sawal koi bhi jawab de sakta hai ki कंपटीशन की बात है, प्रतियोगिता जब होगी तो किस तरीके से चयन करेंगे, क्योंकि ऑटो ट्यून तो सभी के गाने होंगे, तो सभी अच्छा गा रहे होंगे, तो फिर उस समय चयन के क्या मानक होंगे, किस तरीके से आप प्रतियोगिता में लोगों को. यकीन मानिए ऑटोट्यून के बाद में भी गड़बड़ हो जाती है काफ़ी लोगों से. सो उसमें भी मालूम पड़ जाता है आई थिंक कि कौन ज़्यादा अच्छा उसका फ़ायदा उठा पा रहा है. सो मालूम पड़ जाएगा. इट्स नॉट यू कैन नॉट इवन डिस्पाइट द हेल्प वॉट ऑटोट्यून कैन नॉट मेक यू अ परफेक्ट सिंगर. इट कैन हेल्प यू इन सर्टन वेज, बट इफ यू आर अ बेटर सिंगर द आउटपुट इज बेटर. Am I right? You can only reduce the variance of the bass varanes to make you speak and span, you know. काफी अनोखा कॉन्सेप्ट है. तो ये तो टीवी पे आना चाहिए, तो क्या ये टीवी पे भी आएगा या सिर्फ इंटरनेट तक ही सीमित रह जाएगा? As the popularity grows, obviously there'll be lots of associations, TV, radio and all that stuff, and this can become a very capable and potent audition platform for all the reality shows which are happening. And it can become a platform by itself, which could, you know, be in one more platform other than the television scenes. Absolutely. Hi, Sonu sir. यहाँ पे आपके left में मेरा सवाल यही है आपसे भी और सुदेश जी से भी. IKL का main motive क्या होगा? आपको क्या लगता है? क्या main motive है उनका? Basic मैंने जैसे पहले कहा, it's making music fun, music household. संगीत को जैसे कहते हैं ना सुविधा, इट्स मोर लाइक अ फैसिलिटी दैट यू आर प्रोवाइडिंग सिंगर्स, एस्पिरेंट सिंगर्स, एमेच्योर सिंगर्स, बाथरूम सिंगर्स. इट्स अ फैसिलिटी दैट वी आर प्रोवाइडिंग देम टू साउंड बेटर देन दे हैव हर्ड देमसेल्व्स इन. इट्स ऑलमोस्ट लाइक मेकिंग अ स्मॉल छोटा सा जो स्टूडियो की फैसिलिटी उपलब्ध होती है सिंगर्स को अपने सुर को लाने के लिए, वो चीज़ को हम घर घर तक उनके स्मार्टफोन्स में ला पाएंगे. यही हमारी मंशा है.
मेरा प्रश्न आपके सामने हूँ, सुरेश जी से है। सुरेश जी, ये जो पब्लिसिटी के लिए यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन के लिए बोर्ड है उसमें आपके नाम के साथ लिखा हुआ है मेंटर, तो जो हमारी जानकारी है उसके हिसाब से मेंटर तो राह दिखाने वाले को कहते हैं, लेकिन ये एक प्रतियोगिता है जिसमें बहुत सारे लोगों के सुर जो बेसुरे हो गए हैं या बेसुरे होने की तरफ हैं उन्हें सुधार कर कंपटीशन में लाने की बात है, तो वहाँ किस तरह की राह दिखाई जाएगी? अगर जजमेंट की बात है मतलब आप निर्णय करते हैं तो आप तो कुछ बेसुरों में जो सुर वाले हैं उनको करीने से किनारे करके चुन लेंगे। एक्चुअली ये इनके मेंटोर है। सुरेश जी, सोनू जी, आपका जवाब बहुत ही खूबसूरत है और बहुत पॉलिटिकली करेक्ट भी है। खैर, मेरा एक सवाल इस पूरी योजना के जो परिकल्पनाकार हैं उनसे है, जब आप भारत की बात करते हैं तो विभिन्न भाषाओं की बात करते हैं और हिंदी की भी बात करते हैं, लेकिन जो पूरी प्रतियोगिता का प्रारूप और प्रस्तुतिकरण है वो पूरी तरह से अंग्रेजी में है, यहाँ तक कि प्रेस रिलीज भी अंग्रेजी में है, तो आपको नहीं लगता कि क्षेत्रीय भाषाओं के गायकों और कलाकारों को जब आगे लाने की बात होती है तो ये परिकल्पना जो है उसमें हिंदी का कुछ और हिस्सा, ज़्यादा हिस्सा नहीं होना चाहिए था? नहीं, आपने शायद अपनी सुविधा के सुविधा अनुसार जो जो वक्तव्य हमने हिंदी में दिया वो आपने अपने सुविधा अनुसार सुनने से मना कर दिया अपने आप को। हमने हिंदी में भी बात की थी और हमने अंग्रेजी में बात की है, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि हम इंग्लिश अच्छी जानते हैं और हमने पढ़ाई लिखी अच्छी कर रखी है, भाषा के बारे में हम लोग कुछ कर ही नहीं रहे। और सूरज जी तो बेचारे इंग्लिश बोलते ही नहीं है, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि हमने हिंदी का आपके सामने। गाने बजाने में तो दुनिया की सारी भाषाएं आती हैं। ये शायद इशारा मेरी तरफ है। नहीं नहीं, सभी सबकी तरफ ही है। आज तक पे आप हमारा प्रोग्राम देखिए, सुरीली बात सारा हिंदी में। हाँ, वो है ना सुरीली बात। माला शिक्री, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। वो एक्चुअली इसके लिए सही जगह तो नहीं है, फिर भी बता दो, संजय रंजन जी यहाँ मौजूद हैं और ये हमारे क्या बोलते हैं सेना अध्यक्ष पति के भी अध्यक्ष हैं ये, और एक कानून बन चुका है जिसकी वजह से परफॉर्मर्स सिंगर्स को रॉयल्टी यूजर्स से मिलती है, तो ये आपको और बाद में बता देंगे डिटेल में। मैं नहीं चाहता कि इस बारे में हम ज़्यादा बात करें। सोनू जी आपसे और सुरेश जी आपसे पूछना चाहूँगा, इफ यू कैन हियर मी सर। यू नो, जो आपने ऐप लॉन्च किया है दैट इज़ माइंड ब्लोइंग, उसमें सवाल ही नहीं उठता, बहुत अच्छा है। जो भी गाना चाहते हैं या जिन्हें भी जरा सा भी लगता है कि भाई गुनगुना लिया जाए तो सबसे बेहतर ये ऐप होगा, लेकिन जिस वक्त आपने ऐप लॉन्च किया है उसी दौरान इंटरनेट को लेके कि कौन क्या देखेगा, कौन क्या सुनेगा, या किसके मोबाइल पे कौन सा व्हाट्सएप यू नो ऐप होना चाहिए, उसको लेके बड़ी बहस चल रही है पिछले 3 दिन से। क्या आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे और क्या प्लानिंग रहेगी आपकी कि आपका जो ऐप है वो भी लोगों तक पहुंचे? यू नो, इट्स देयर इज अ डिबेट गोइंग ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, यू नो, कि यूजर को क्या देखना है, क्या सुनना है। Yes. मैं हालांकि मैं इतना ज़्यादा अवगत नहीं हूँ इस बारे में, मैंने थोड़ा बहुत न्यूज़ देखी है इस बारे में, मुझे लोगों ने सवाल किए थे और मैं देख रहा हूँ कि मुहिम चल रही है फ्री इंटरनेट, है ना, ऐसे कुछ चल रहा है। वेरी ट्रू सर, है ना, ऐसे वेरी ट्रू, क्या है, वेरी ट्रू, इट्स अ फ्री इंटरनेट, सेव इंटरनेट, सेव इंटरनेट, वो भी आ रहा है। आई फील सब चीज़ के अपने अपने, अगर इंटेंट ये नहीं होता कि टेलीकॉम कंपनीज को बचाना है तो ये इतना बुरा नहीं है, बट मैंने ये भी देखा है और मैं आपको बता दूं कि मैं एकदम फ्रीडम का उसके साइड में रहता हूं, मैं चाहता हूं कि आज़ादी मिले सब हर चीज़ में सब कुछ, लेकिन ये भी देखा है मैंने कि ट्विटर पे और फेसबुक पे कोई किसी को भी कुछ भी बोल देता है, माँ बहन की गाली, तेरी ऐसी की तैसी, तेरी वो, इतना बड़ा आदमी, मैंने तो मतलब बड़े बड़े लोग नाम नहीं लूँगा मैं, इतने बड़े बड़े जो सुपरस्टार्स हैं, महा पीपल ऑफ द सेंचुरी, उनको माँ बहन की गाली खाते हुए देखा है। तो अगर ये इंटेंट होता कि भाई थोड़ा सा लोग की जबान पर लगाम किया जाए, क्योंकि हम तो ये बोल सकते हैं यू नो इट्स माय राइट, बट यू आर एक्चुअली, जिस तरह हम बलात्कार के अगेंस्ट हैं वैसे ही हम किसी के मान सम्मान का बलात्कार की भी अगेंस्ट होना चाहिए हमको। कोई किसी को भी कुछ कह दे ऐसे तो ऐसे कैसे चलता है यार, है ना, कोई कुछ भी बोल दे किसी को, तुम मतलब तुम्हारे को राइट दे रखी है और तुम इंटरनेट पे लिख रहे हो तेरी माँ का ये, तेरी बाप का वो, तेरी बहन का ये, तो ये भी बलात्कार नहीं है क्या? हाउ कैन यू, एक ऐसे एक सज्जन है जो
एक टेलीविजन पे शो करते हैं, इंटरनेट पे शो करते हैं, जिसमें वो समीक्षा करते हैं, क्रिटिक हैं, वो कुछ भी माली गाली बोली देते हैं यार, तो ये कैसी फ्रीडम है? अगर ये इंटेंट होता तो मैं उसके पक्ष में होता, पर यहाँ इंटेंट मेरे ख्याल से ये है कि वाइबर को कटवाओ क्योंकि फोन कॉल्स, आई थिंक एम आई राइट, स्काइप को बंद करवाओ, ये रॉन्ग इंटरनेट है, मतलब दिस इज द इंटेंट इज रॉन्ग, कि अगर हमको फ्रीडम मिल रही है कि मैं चाइना में घूम रहा हूँ और मुझे मेरे बेटे से वाइबर में बात करनी, तो वाई कांट टॉक टू माय सन ऑन वाइबर, और उसमें फेस टाइम हो पा रहा है, हम लोग देख पा रहे हैं, सो ये इंटेंट रॉन्ग है, किसी के जो महारथी हैं टेलीकॉम के उनको बचाने के, उनके वजह से, उनके प्रेशर में आके स्काइप को रोक देना या वाइबर को रोक देना, ये रॉन्ग है। हाँ, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ कि कोई किसी को भी माँ बहन की गाली दे दे, ये भी बलात्कार है। ओके, लास्ट मेरा सोनू सर, जैसे आपने अभी जिक्र किया, आपने बिना नाम लिए कहा कि कोई सज्जन है और फिल्म की समीक्षा करते हैं और गाली गलौज के साथ करते हैं, जो यकीनन गलत है, आपको नहीं लगता कि जिन लोगों के खिलाफ